कौन भी आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, आप राधा को भूल जाए और यहाँ से निकलने की कोशिश कीजिए। मैंने अजीत से भी बात की, वो लॉयर से बात करने गए। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नहीं ड्रामा ऐसा नहीं कर सकती। देखो वो आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, ड्रामा ने कुछ और बोला होगा। नहीं गुनगुन, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। राधा ने ये कहा कि अब वो अपनी आंखें बंद नहीं करेगी, वो मोहन भैया पर और भरोसा नहीं करेगी। क्या कहा तुमने? क्या कहा राधा ने? हाँ मोहन भैया, एग्जैक्ट वर्ड बताओ, क्या कहा राधा ने? अब राधा की आंखें और बंद नहीं रहेगी, राधा अपनी आंखें खोलना चाहती। मोहन भैया, राधा ने ये कहा कि राधा अब उसकी आंखें बंद नहीं करेंगी, वो आंखें खोलना चाहती है अपनी। अपनी आंखें खोलना चाहती है, मतलब समझ गया मैं। पता है कि जब राधा रानी जी का जन्म हुआ था ना, तब कई सालों तक उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली थी। सबको लगा था कि वो अंधी है, पर ऐसा नहीं था। राधा रानी जी ने प्रण लिया था कि वो अपनी आंखें खोलकर सबसे पहले अपने मोहन को देखेंगी। और पता है राधा रानी जी के जन्म के कई सालों बाद जब बाकी बिहार जी गोकुल पहुंचे थे ना, और जब बाकी बिहार जी जाकर राधा रानी जी के सामने खड़े थे, तब जाकर राधा रानी जी ने अपनी आंखें खोली थी। और सबसे पहले उन्होंने अपने मोहन को देखा। यार राधा का इस सबसे क्या लेना देना है? लेना देना है ना केतकी, राधा रानी जी की तरह राधा भी अपनी आंखें खोलना चाहती है। पर वो अपनी आंखें तब खोलेंगी जब उसका मोहन यानी कि मैं उसके सामने खड़ा रहूंगा। पता है केतकी, बातों ही बातों में ना राधा ने इशारा दिया है कि वो इस युग में अपने मोहन के साथ रहना चाहती है। वो युग से शादी नहीं करना चाहती है। वो बहुत बड़ी मुसीबत में है केतकी, मैं बता रहा हूं तुम्हें।